हाय पीटीएस पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रीडिंग के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे। कौन से ऐसे ग्रामर्स के शॉर्टकट रूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो रीडिंग में, जिससे कि पहले आपका एक नंबर आ रहा था ब्लैंक्स में, वो आपके 5 में से 5 नंबर भी आएंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि एक एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि आपको इस चैनल पर कुछ ना कुछ यूनिक ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो पीटी से रिलेटेड हमारी ट्रिक्स हैं वो सबसे यूनिक हैं, क्योंकि हमने जो रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स की वीडियो भी डाली हुई है, जो हमारी फर्स्ट शॉर्टकट ट्रिक्स थी रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स की, वो अपलोड भी हो गई है। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लें, आपका 70-80% आपका जो रीडिंग के ब्लैंक्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। उस वीडियो में ना ही कोई आपको रूल्स ही लर्न करने हैं, ना ही कोई कोलोकेशन यूज़ करनी है, बट जो रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपके 5 out of 5 मार्क्स आए। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे भी आपके लिए ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स आती रहेंगी। और जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो, चाहे आपके एग्जाम में 10 दिन ही लेफ्ट क्यों ना हो, फिर भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्लासेस से, क्योंकि सभी ट्रिक्स चैनल पर एक साथ अपलोड नहीं की जा सकती। तो क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक ये रीडिंग का फिलिंग द ब्लैंक्स है, ड्रैग ड्रॉप वाला, तो हम पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको रूल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो अप्लाई करने से कैसे हमारे जो ब्लैंक्स हैं वो इजीली सॉल्व हो रहे हैं, फिर हम जानेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम रूल्स को ओपन कर लेते हैं। सो ये जो हैं आपके रूल्स रहेंगे, जो हमारा सबसे फर्स्ट रूल है वो हमारा क्या आएगा, इफ़ देर इज़ अ ब्लैंक आफ्टर इज एम आर, फर्स्टली चेक द सेंटेंस टाइप लाइक इट इज़ एक्टिव या पैसिव। इफ़ इट इज़ एक्टिव देन यूज़ वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन इट इज़ पैसिव देन यूज़ वर्ब विद थर्ड फॉर्म। जिसको भी कुछ भी नहीं समझ में आया, सो एक बार अभी ध्यान से सुनना, अभी आपको सभी क्लियर हो जाएगा कि इसमें बोला क्या गया है। जो अगर आपका ब्लैंक है वो इज एम आर के बाद आ रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है, अगर आपका सेंटेंस है वो एक्टिव है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगाना है, ING। अगर वो पैसिव है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी एक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है और पैसिव सेंटेंस कौन सा होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे इसमें एक्टिव सेंटेंस का हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्या है ये, द चेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, कि एक शेफ़ ने क्या बनाया, एक डिलीशियस मील बनाई गेस्ट के लिए। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस। अगर हम इसी का पैसिव देखें तो क्या बनेगा इसका पैसिव, ए डिलीशियस मील वॉज कुक्ड फॉर द गेस्ट बाय द चेफ। जो उसमें सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाएगा पैसिव में आपका। तो अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सो इसको कॉपी पे नोट कर लें सभी। और अगर आपका पैसिव सेंटेंस हो तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आपका जो ब्लैंक है वो इज एम आर के बाद है। सो हमारा सेकंड रूल क्या रहेगा, इफ़ देयर इज़ अ ब्लैंक आफ्टर इज एम आर, अगर आपके पास इज एम आर भी है और उसके साथ में बीइंग भी लगा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें कोई एक्टिव कोई है, इसमें आपका पैसिव सेंटेंस नहीं लगेगा, इसमें जस्ट आपका रूल लगेगा, अगर आपका जो ब्लैंक है वो इज एम आर और उसके बाद अगर बीइंग भी लगा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया इसमें, द फ्लोर इज़ बीइंग डैश। सो अभी हमारे पास इज़ भी आया है और उसके साथ साथ बीइंग भी आया है, उसके बाद हमारा डैश आ गया, तो डैश में क्या आएगा, हमारा ED फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसके पीछे ED है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ओके, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है। सो जैसे इसमें क्या हो गया, द फ्लोर इज़ बीइंग क्लीन्ड, और सेकेंड वाले में हमने आर का एग्जाम्पल दे दिया, द ऑथर्स आर बीइंग रिटन। ED, EN ये सभी आपकी जो हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं। तो थर्ड वाला एग्जांपल हो गया हमारा, द वॉल्स हैम बीइंग पेंटेड। सो ये हो गया आपका सेकंड रूल। सो अभी हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या होगा, देयर इज़ अ ब्लैंक आफ्टर डू डज और डिड, अगर आपका डू डज और डिड के बाद आपका ब्लैंक है तो आपको क्या लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ID ID क्या आएगा उसके बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर आपके पास डू है, डज है या फिर डिड है। जैसे आई डू स्टडी, सी डज लाइक आइसक्रीम, दे डिड कम्प्लीट द प्रोजेक्ट। अभी जैसे थर्ड वाले में भी आपका डिड आ गया, डिड के बाद कोई भी हमारे पास वर्ब नहीं थी, कम्प्लीट वर्ब नहीं है, द वर्ब नहीं है, तो हमारे पास ये ब्लैंक आ गया। अगर द के बाद हमारे पास ब्लैंक आता है तो क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रोजेक्ट। अभी हम फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। जो हमारा फोर्थ रूल है वो क्या बता रहा है इसमें,
इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर हैज हैव, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ब है वो ईडी फॉर्म में है या नहीं है। अगर जो ईडी फॉर्म में है तो वो हम लगाएंगे, अदरवाइज जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हम लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की तरफ ले लेते हैं, हम हैज का कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सी हैज क्लीन्ड द हाउस, दे हैव विजिटेड द म्यूजियम। सो ईडी फॉर्म ये लगानी है या फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या होगी, जैसे ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म होगी ड्रिवन। और क्या होगी, क्लाइंब, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, क्लाइंब की, क्लाइंब। अगर थर्ड फॉर्म हो तो वो क्या होगी आपकी, क्लाइंब, ईडी साथ में लग जाएगा। अगर जिस भी वर्ड के साथ आपको ईडी दिख रहा है तो वो आपकी कौन सी फॉर्म रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आपको पजल नहीं होना कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कौन सी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। सो अभी हम हमारे फिफ्थ रूल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है, देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर वोज वर, कि अगर आपका जो ब्लैंक है वो वोज और वर के बाद है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को चेक करना है कि वो एक्टिव है या फिर पैसिव है। अगर वो एक्टिव है तो आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। अगर पैसिव है तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। करिए, अभी आपको रूल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं कि किसमें हमें एक्टिव चेक करना है, किसमें हमें पैसिव चेक करना है, किसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाना है, किसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, इसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होगी वो। तो जैसे इसमें एक्टिव, अभी सेंटेंस का आपको पता लग गया है कि एक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इसमें एक्टिव सेंटेंस हमने ले लिया, सी वॉज पेंटिंग अ ब्यूटीफुल, कि उसने एक ब्यूटीफुल पिक्चर की पेंटिंग बनाई। ओके, और इसका अगर पैसिव है तो हम पैसिव क्या ले सकते हैं, जैसे द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा कुकीज, जो कुकीज हैं वो किसने खाई, चिल्ड्रन ने। चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाता है, पैसिव सेंटेंस। सो अगर आपके पास एक्टिव है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे वोज के साथ हमने क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेंट, और उसके साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। अभी हमारा जो सिक्स्थ रूल है वो हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास ब्लैंक्स है वो किसके बाद है, वोज वर, और अगर उसके साथ बींग भी लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरफ ले लेते हैं हम, द रूम वॉज बींग पेंटेड बाय द पेंटर्स, रूम जो है किसने पेंट किया, पेंटर्स ने। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लो आप एक बार, कार्स वर बींग रिपेयर्ड एट द गैरेज, कहाँ पे रिपेयर होती हैं, गैरेज में। अगर आपके साथ वॉज और वर, अगर उसके साथ बींग भी लगा हुआ है तो सिंपली आपको क्या लगाना है, ईडी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारा सेवन्थ वाला रूल है उसको भी हम जान लेते हैं एक बार, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर हैज हैव हैड प्लस बीन। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, वही आपको सिंपली चेक करना है कि एक्टिव है या फिर पैसिव। अगर एक्टिव है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो अभी जो हमारा एट्थ रूल है वो भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम ब्लैंक सोल्व करके देखेंगे कि इन रूल से हमारे जो ब्लैंक्स है वो सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर विल शैल प्लस बी, पास ब्लैंक्स आ जाए, विल भी है उसमें, शैल भी है, और उसके साथ बी भी लगा हुआ है, तो आपको फिर से वही है, क्या चेक करना है, वर्ब एक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अदरवाइज की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव है तो। विल के साथ आपका एक्टिव का एक बार आप एग्जांपल देख लो, दे विल बी सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक। सेलिब्रेट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, उसके साथ आईएनजी आ गया। अगर हम इसी को पैसिव में देखते हैं तो क्या होगा, डिनर शैल बी सर्वड एट 7 PM। उससे पहले हम हमारे ब्लैंक्स जो हैं वो सोल्व करके देखते हैं। अभी हमारा नाइन्थ वाला जो रूल है वो भी आप नोटबुक में नोट कर लो, अगर आपके पास ब्लैंक आ जाता है विल, सेल और हैव, और उसके साथ बीन भी है, तो अगर आपका ब्लैंक आ रहा है तो आपको क्या चेक करना है, एक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, अगर नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि दे विल हैव बीन डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट फॉर आवर्स, और अगर पैसिव यही होता तो क्या होता, द विनर सेल हैव बीन नोटिफाइड बाय ईमेल्स। अभी डाउट नहीं होनी चाहिए कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है और पैसिव कौन सा। ऐसे ही हमारे टेंथ वाले रूल में है, अगर आपका विल, सेल और हैव के बाद अगर आपका जो ब्लैंक है तो उसमें क्या लगेगा आपका, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, विल हैव आ गया तो सिंपली क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास ब्लैंक है विल, सेल के बाद अगर आपका सिंपली ब्लैंक है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपके पास ब्लैंक है आफ्टर बींग, बी और बीन, अगर इनके बाद आपका कोई भी ब्लैंक है तो आपको क्या लगाना है, सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि द हाउस इज बींग क्लीन बाय द मैन, बींग आ गया साथ में। जो हमारा 13th वाला रूल है वो क्या बता रहा है कि अगर आपके पास कोई भी मोडल्स हैं, जैसे कि कैन, कूड में, विल, सेल, वुड, शुड, सभी के सभी अगर आपके पास मोडल्स आए हुए हैं उसके बाद अगर आपका ब्लैंक है तो आप क्या लगाओगे, सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि वॉक हो गया, प्ले हो गया, ये आपकी आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अभी हम ए, एन और द के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम्स ये ब्लैंक में आते हैं कि अगर
आपका ब्लैंक ए के बाद भी आ जाता है और दा के बाद भी आ जाता है, तो आपको क्या लगाने हैं? अगर आपका ब्लैंक जो है वो ए के बाद है तो आपको क्या लगाना है? सिंगुलर नाउन। क्या लगाना है आपको? सिंगुलर नाउन, जैसे कि ए कार, ए बुक, ए डॉग, ए कंप्यूटर, ए हाउस, ये सभी क्या हैं? नाउन्स हैं। और अगर आपका जो ब्लैंक है वो एन के बाद आ जाता है तो आपको क्या लगाने हैं? वोवल्स, जो हमारे कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, जैसे कि एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन इंटरेस्टिंग बुक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये आपके सभी क्या हो गए? वोवल्स। अगर आपका ब्लैंक है वो दा के बाद आ रहा है तो आपको क्या लगाना है? आप सिंगुलर भी लगा सकते हो, अदरवाइज प्लूरल भी लगा सकते हो नाउन, जैसे कि द कार, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, और द कार्स ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ऐसे ही द बुक, वो क्या हो गया हमारा? सिंगुलर। द बुक्स, वो भी हो सकता है, वो क्या हो गया हमारा? प्लूरल। और अगर आपके पास जो ब्लैंक है वो किसके बाद आया हुआ है? ए एंड द, और उसके बाद आपका ब्लैंक आ गया, और उसके बाद अगर आपका नाउन आ रहा है जैसे कि कार, बुक, अभी भी जो हम पीछे रीड करके आए हैं कि नाउन्स क्या होते हैं, अगर वो उनमें से आपका कोई भी नाउन आ रहा है जिसमें कि किसी भी चीज़ की स्पेसिफिकेशन बताई हुई है, वो क्या होता है हमारा? तो आपको क्या लगाना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं कि वो है क्या, जैसे एग्जाम्पल में आप एडजेक्टिव को ले सकते हो ए ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर क्या हो गया? नाउन हो गया। एन एक्साइटिंग मूवी, मूवी क्या हो गया? नाउन हो गया। एक्साइटिंग हमारी एडजेक्टिव हो गया। अगर आपका ए एन द और उसके बाद ब्लैंक है फिर नाउन आ रहा है तो आपको किसका यूज़ करना है? एडजेक्टिव का। भी जो हमारा एक और रूल है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपका ब्लैंक है जो वो टू के बाद आ रहा है तो आपको सिंपली क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, बाकी के इंपॉर्टेंट रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो अभी हम इन रूल्स का यूज़ करके हम ब्लैंक को सोल्व करके देखते हैं। सो हमारे पास ये वाला हमारा ब्लैंक्स था। कैसे आपको ये ब्लैंक सोल्व करना है? सबसे पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज रिसर्च हैव, के बाद अब हम अभी पढ़ के आए थे, अगर सिंपली हैव के बाद आपका जो ब्लैंक है तो हम क्या लगाएंगे? ईडी फॉर्म। ये हमारे पास इसमें कौन कौन सा है? डेंगल, वो ईडी नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ट्रैम्प भी नहीं है, एब्रप्टली भी नहीं है, स्प्रेड भी नहीं है, तो आपके पास इसमें दो ऑप्शन है, सस्टेंड और कंडक्टेड। इन दोनों में से कौन सा आएगा? एक बार हम फिर से लाइन को रीड करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जापानीज रिसर्चर्स हैव डैश ए रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, कि जो जापानीज के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डैश किया ए रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के साथ, दैट शोज दैट सम ट्रैफिक जैम्स अपीयर्स नो अपेरेंट रीज़न, कि जो जैम्स हैं वो बिना किसी रीजन्स के हैं। तो अभी जापानीज रिसर्चर्स ने क्या किया? सस्टेंड किया या फिर कंडक्ट किया? क्या किया? रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट। सस्टेंड तो नहीं फिट हो रहा ना, यहाँ पे ब्लैंक में ही फिट नहीं हो रहा सस्टेंड, तो वो क्या कर रहे हैं? रिसर्चर्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का। सो फर्स्ट वाले में हमारे आ जाएगा यहाँ पे कंडक्ट। अभी नेक्स्ट वाला रीड करते हैं। दे प्लेस 22 व्हीकल्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड आस्क द ड्राइवर्स टू डैश। हम रीड करके आए हैं कि हमारा टू के बाद क्या आता है? सिंपल फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमारे यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारे पास कौन कौन सी है? स्प्रेड भी हमारे पास वर्ब है, और हमारे पास वर्ब है क्रूज़, क्रूज़ भी हमारे पास वर्ड है। और अगर हम इसमें फिट करके देखते हैं, दे प्लेस 22 व्हीकल्स ऑन अ सिंगल ट्रैक एंड आस्क द ड्राइवर्स टू डैश अराउंड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स। सो भी अगर इसमें आपको डाउट है कि क्या आएगा, स्प्रेड आएगा या फिर क्रूज़ आएगा, या फिर आपको क्रूज़ का मतलब नहीं पता क्या होता है, तो आपको क्या करना है? इस ब्लैंक को क्या करना है? आपको स्किप करना है। सो अभी हम मूव करते हैं पहले थर्ड ब्लैंक की ओर, फिर हम लास्ट में जो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास उसमें से देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें फिट होएगा। फिर वर्ड वाला हम करते हैं एक बार अभी। एट फर्स्ट ट्रैफिक मूव डैश, ईडी फॉर्म आ गई। ईडी फॉर्म के बाद हमारा ब्लैंक है, यानी कि नाउन के बाद हमारा ब्लैंक आ रहा है, तो कौन सा फॉर्म आएगा? एडजेक्टिव। ट्रैफिक क्या कर रही हैं, किस चीज़ के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में क्या बताया हुआ है? एट फर्स्ट ट्रैफिक मूव डैश बट सून द डिस्टेंस बिटवीन कार्स स्टार्टेड टू वेरी एंड व्हीकल्स क्लम्प्टेड टुगेदर एट वन पॉइंट ऑन द ट्रैक। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी आप जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं? जो एडजेक्टिव होंगे उनके जो बाद में है लास्ट में, यानी कि एंडिंग में एलवाई साथ में मिलेगा आप। सो हमारे पास इसमें एडजेक्टिव कौन कौन सा है? एब्रप्टली और स्मूथली। सो सबसे पहले जो ट्रैफिक्स हैं वो कैसे कर रही थी?
स्मूथली, इसमें ये वाला वर्ड ज़्यादा फिट हो रहा है। एट फर्स्ट ट्रैफिक मूव्ड स्मूथली, स्टार्टिंग में जो ट्रैफिक थी वो स्मूथली कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ, बट सून द डिस्टेंस बिटवीन कार्टी टू वैरी एंड व्हीकल्स क्लम्प्टी टुगेदर एट वन पॉइंट ऑन द ट्रैक। अभी लास्ट वाला एक बार रीड करते हैं हम। बट द जैम डैश बैकवर्ड अराउंड द ट्रैक लाइक अ शॉक वेव एट अ रेट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर एन आवर। अभी दा के बाद हम क्या रीड करके आए थे, हम क्या लगाएंगे दा के बाद, नाउन और नाउन, बट हमारा इसमें है वो क्या, हमारा जाम, बट द जैम्स डैश। अभी फिर अगर नाउन के बाद ब्लैंक आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें कौन कौन से हैं, रप्टली भी है और स्प्रेड भी है, कि जो जाम है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैम क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया इसमें एडजेक्टिव, तो इसमें हमारा क्या आएगा, स्प्रेड। और इसमें हमारे पास टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सो हमारे पास इसमें फर्स्ट फॉर्म हमारी एक ही थी, वो हमारी क्या है, क्रूज। सो हमारा इसमें सेकंड वाले में हमारा इसमें क्या आ जाएगा, क्रूज। सो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी ब्लैंक नहीं आ रहा है तो आपको उसी टाइम वो सॉल्व नहीं करना है, तो वेट करना है, आपको पहले नेक्स्ट वाले सॉल्व करने हैं, फिर एंडिंग में आपको उसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। सो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं, सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं। सो चलिए एक और हम ब्लैंक ट्राई करते हैं एक बार। इसमें क्या आ गया, द क्लासिक ईरा ऑफ मेयान डैश केम टू एन एंड अराउंड 900 AD, यानी कि पुरानी सभ्यता के बारे में बात हुई है इसमें। द क्लासिक ईरा ऑफ मेयान, क्लासिक है साथ में, तो क्या आएगा इसमें, अभी पुरानी सभ्यता से रिलेटेड वर्ड्स कौन से है इसमें, रिसर्च वो नहीं है, टाइम समय के बारे में भी नहीं, आर्ग्यूमेंट सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता। क्लासिक ईरा ऑफ मेयान सिविलाइजेशन केम टू, कब आई है सिविलाइजेशन, 900 AD में। वाई दिस हैपन इन अनक्लियर, दिस सिटीज़ वर प्रोबेबली ओवर फार्मिंग द लैंड सो दैट ए डैश ऑफ ड्राउट लैंड फेमाइन। अभी ए के बाद अगर हमारा ब्लैंक आ जाए तो हमने कौन से वर्ड्स लगाना है, अभी हम रीड करके आए हैं कि अगर हमारा ए के बाद ब्लैंक्स हैं तो हम कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं। तो अभी हमारा ये वाला रूल था हमारा, अगर हमारे पास ए के बाद ब्लैंक है तो हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है या फिर एडजेक्टिव भी वो हो सकता है, जैसे कि ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एन एक्साइटिंग मूवी, जो कि उसके बारे में डिफाइन करे प्रॉपरली। सो हमारा इसमें ब्लैंक्स क्या था, सो दैट ए के बाद हमारे पास सबसे पहले हमें यही देखना है कि नाउन क्या है, रिसर्च, टाइम, आर्गूमेंट, पीरियड, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन हमारे पास नाउन नहीं है, पीरियड हमारे पास नाउन है। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास नाउन कौन सा है, पीरियड, सो दैट ए, अभी इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सो दैट ए पीरियड ऑफ ड्राउट फेमाइन। अभी लास्ट वाला देखते हैं हम, रिसेंट जियोलॉजिकल डैश स्पोर्ट दिस, अभी इसमें कौन सा ऑप्शन आ सकता है आपके पास, रिसेंट जियोलॉजिकल टाइम स्पोर्ट्स दिस, रिसेंट जियोलॉजिकल रिसर्च स्पोर्ट दिस, रिसेंट जियोलॉजिकल आर्गूमेंट्स, रिसेंट जियोलॉजिकल अर्बनाइजेशन, रिसेंट यानी कि जियोलॉजिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ना, रिसेंट जियोलॉजिकल रिसर्च, ये जो है हमारा वह बिल्कुल करेक्ट फिट हो रहा है इसमें। सो हम इसमें क्या लगा देंगे, ये हमारे आंसर करेक्ट है। आप ऐसे इजीली आप रीडिंग के जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनको सॉल्व इजीली कर सकते हो, आपको जो है वो कुछ रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स हमने इस वीडियो में बता दिए हैं और कुछ रूल्स हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी संडे को या फिर फ्राइडे को, जब भी हमारी वीडियो आएगी नेक्स्ट, उसमें हमारे जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका रूल्स का वो हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमने क्या बताया था कि आपको शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे, आपको जो ये रूल्स हैं वो सभी लर्न करने हैं, अभी हम इसमें आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देंगे कि अगर आपको कहीं भी आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव दिख रहा है, मैं कि ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है और सब्जेक्ट बाद में है, तो उसमें आपको सिंपली क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे उसमें हैज़ हो या फिर इज एम आर हो, चाहे विल शैल हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, अगर वो आपका पैसिव सेंटेंस है फिर आपके पास ब्लैंक आ जाता है, तो आपको सिंपली क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अगर हम इज एम आर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, अगर उनके साथ कभी भी बीइंग लग जा रहा है या फिर जैसे हैव हैड के साथ बीइंग लग गया या फिर विल शैल के बाद आपका बी लग गया, तो आपको किन का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है, ना ही आपको कोई एक्टिव देखना है ना ही फिर आपको कोई पैसिव देखना है, जैसे हैज़ हैव हैड है तो उसमें हैव और हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, हैज़ के साथ जो हमने इसमें बताया था अभी, हैज़ के साथ आप फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगा सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। ये जय श्री राम।